हाय देयर, एक्सक्रम प्रोनंसिएशन के सीरीज में एक और वीडियो। और आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोनंसिएशन, AIN। जब वर्ड के आखिर में AIN हो तो उस वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे, वहाँ A का साउंड कैसा होगा, लॉन्ग होगा, शॉर्ट होगा, उसी को आज देखने जा रहे हैं। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। दिस इज द रूल, वेन एवर देयर इज AIN इन द एंड ऑफ अ वर्ड, देर इज द लॉन्ग साउंड ऑफ ए, यानी कि ए का लॉन्ग साउंड होता है, ए को खींच कर पढ़ेंगे, जैसे कि ए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पे। सबसे पहला वर्ड है कॉम्प्लेन। अगर इसको हम कंप्लेन पढ़ें तो गलत हो जाएगा, हमको ए को खींचना है, कॉम्प्लेन। उसी तरह ऑप्टेन, एक्सप्लेन, बार्गेन, ब्रेन, ड्रेन, रेन, मेन, स्टेन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स से कर सकते हैं कि हजारों में ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देते हैं, गेन हो गया, आई वॉन्ट टू गेन सम वेट, स्लेन यानी कत्ल करना होता है, रिटेन, रिफ्रेन, स्प्रेन। तो इस रूल को अप्लाई करते हुए आप हजारों वर्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।